अथनवमोध्याय निशुम्भवद ओं नमः चंडिकायै ध्यानम् ओम बंदूक काचन निबं रुचिराक्षमालां पाशांग शौच वरदां निज बाहुदंडै बिभ्राणम इंदु सकलाभरणम त्रिनेत्रम अर्धाम्बिकेशमनिशम वपुराश्रयामि। ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याचरित माहात्म्यं रक्तबीजवदाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्चातिकोपनः। ऋषिर्वाच सकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुंभासुरो निशुंभश्च हतेष्वन्येषु चाहवे। हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वगन् अभ्यदावन् निशुंभोत मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रत सता पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्तुष्टौष्टपुटा क्रुद्ध हन्तुं देवी उपाययुः। आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः। ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयो सरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदांस्तां चरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौ गैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी चुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्यासु चिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् कोपाद्मातो निशुम्भोत शूलं जग्राहदानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविद्यातगदांशोऽपि चिक्षेपचण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता तत परसुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणोगैः अपातयत भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर् अतीव संक्रुद्धः प्रययो हन्तुमम्बिकां स रतस्तथा त्युच्चैः गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैः व्याप्याशेषं बभौ नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् जाशब्दं चापि दंशः चकारातीव दुःसहं पूरयामास खगुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवदविदायिना। ततः सिंहो महानादैः त्याजितेव महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं श्वामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः। अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूति चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भ कोपं परं ययो दुरात्मं स्थिष्टतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं
देवैराकाश संस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिः मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयातिवग्निकूटा वा सा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्गातनिस्वनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्तान् शरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितान् शरान् छिच्छेदसरैरुग्रैः शतशोतसहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतं स तदा विगतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामातकार्मुकः आजगान शरैर्देवी काली केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनाम् अयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुतेन दितिज छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वसरैः सायकांश्चतान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यदावत वैहन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्या पतत एवाशु गदा चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भम् अमरार्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्येन चण्डिका भिन्नस्यतस्य शूलेन हृदयान्नि श्रुतोपरः महाबलो महावीर्यः तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्ठामतो देवी प्रगस्य स्वनवत्ततः सुरचिच्छेदखड्गेन ततो सावपदद्भुवि ततः सिंहश्चखादोग्रं दंष्ट्राक्षुण्णशिरोदरान् असुरांसा सता काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्ति निर्भिन्नाः केचिर्नेषु महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोये नान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचित् चूर्णीकृता भुवि खण्डखण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवा कृताः वज्रेण चैन्द्रियस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचित् विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् वक्षिताश्च परे काली शिवदूती मृगाधिपैः ॐ जय जय श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ दशमोऽध्यायः शुम्भवधः। ॐ नमश्चण्डिकायै ध्यानम्। ॐ उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवग्निनेत्रां धनुसरयुताङ्कुश पाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरी हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निगतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीत्वचः बलावलेपदुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्यता दुष्टमय्येव
विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देवेस्तनौ जग्मु एकैवासी तदाम्बिका देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिः इह रूपैर्यथा स्थिता तत्समृतं मयैकैव तिष्ठां याजौ स्थिरो भव ऋषिर्वाच तत प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानां असुराणां च दारुणं सरवर्षैः सितैः शस्त्रैः सथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमिचेयान्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्रः तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः सरसतैर्देवीम् आच्छादयतशोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदशेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रः तथा शक्तिमथा ददे छिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यश्चक्रे स्थिताम् ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यदावत् तदा देवीं दैत्यानाम् अधिपेश्वरः तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः सितैर्बाणैः चर्म चार्ककरामलम् अतास्वस्य तदा दैत्यः छिन्नघन्वा विसारथिः जग्रागमुद्गरं घोरम् अम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैश्वरैः तथापि सोऽभ्यदावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव ततोत्थितः उत्पत्य च प्रगृहयोच्चैः देवी गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युविदे तेन चण्डिका नियुद्धं के तदा दैत्यः चण्डिका च परस्परं चक्रतु प्रथमं सिद्ध मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्दम्य वेगितः अभ्यदावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्वां जगत्यां पातयामास भित्वा शूलेन वक्षसि स गतासु वपोतोर्व्यां देवी शूलाग्रमिच्छतः चालयन् सकलां पृथ्वीं शाब्दिदीपाक्षपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमदीवाप निर्मलं चाभवन्नभः उत्पातमेघासोल्काये प्रागासंस्ते शमं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यः तथा संसत्र पातिते ततो देवगणा सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवर्निगते तस्मिन् गन्धर्वाललितं जगुः अवादयं सतैवान्ये ननु तुस्साक्षरोगणाः बभुः पुण्या सता वाताः सुप्रभो बुद्धिवाकरः ॐ ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शुम्भवधो नाम दशमोऽध्यायः
சர்வம் ஜகதம்பார்ப்பணமஸ்து. அத ஏகாதசோத்யாயக தேவி ஸ்துதிஹி. ஓம் நமச்சண்டிகாயே தியானம். ஓம் பாலரவித்யுதிமேந்துகிரீடாம் துங்கபுஜாம் நயனத்ரயயுக்தாம் ஸ்மேரமுகீம் வரதாங்குஷபாஷாபீதிகராம் பிரபஜே புவனேஷீம். ஓம் ரிஷிருவாச தேவ்யாக தே தத்ர மாசுரேந்திரே சேந்திராசுராவக்னி புரோகமாஸ்தாம் காத்யாயினீம் துஷ்டுரிஷ்டலாபாத் விகாசி வக்த்ராப்ஜ விகாசிதாசாகா. தேவீ ப்ரபன்னார்த்தி ஹரே ப்ரசீத ப்ரசீத மாதர் ஜகதோகிலஸ்ய ப்ரசீத விஸ்வேஸ்வரி பாகி விஸ்வம் தம் ஈஸ்வரி தேவி சராசரஸ்ய. ஆதாரபூதா ஜகதஸ்வமேகா மகீஸ்வரூபேண யத ஸ்திதாசி அபாம் ஸ்வரூப ஸ்திதயா த்வைதத் ஆப்யாயதே கிருஷ்ண மலங்க்ய வீர்யே த்வம் வைஷ்ணவி சக்திரனந்த வீர்யா விஸ்வஸ்ய பீஜம் பரமாசி மாயா சம்மோகிதம் தேவி சமஸ்தமேதத் த்வம் வை பிரசன்னா பூய் முக்தி ஹேதுஹு. வித்யா சமஸ்தா ஸ்தவ தேவி பேதாஹ த்ரிய சமஸ்தா சகலா ஜகத்சு த்வயைகயா பூரிதமம்பயைதத் காதே ஸ்துதி ஸ்தவ்ய பராபரோக்திஹி. சர்வபூதாய தேவி ஸ்வர்க முக்தி ப்ரதாயினி தம் ஸ்துதா ஸ்துதயே காவ பவந்து பரமோக்தயக. சர்வஸ்ய புத்தி ரூபேண ஜனஸ்ய ஹ்ருதி சம்ஸ்திதே ஸ்வர்கா பவர்க தே தேவி நாராயணி நமோஸ்துதே. கலா காஷ்டாதி ரூபேண பரிணாம பிரதாயினி விஸ்வஸ்யோபரதோ சக்தே நாராயணி நமோஸ்துதே. சர்வ மங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதிகே சரண்யே த்ரியம்பகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே. சிருஷ்டி ஸ்திதி விநாசானாம் சக்தி புகுதே சனாதனி குணாஸ்ரயே குணமயே நாராயணி நமோஸ்துதே. சரணாகத தீனார்த்த பரித்ராண பராயணே சர்வஸ்யார்த்தி ஹரே தேவி நாராயணி நமோஸ்துதே. ஹம்சயுக்த விமானஸ்தே பிரம்மாணி ரூபதாரிணி கௌசாம்பட்சரிகே தேவி நாராயணி நமோஸ்துதே. த்ரிசூல சந்திராஹிதரே மகாவிருஷபவாகினி மாகேஸ்வரி ஸ்வரூபேண நாராயணி நமோஸ்துதே. மயூர குக்குடவ்ருதே மகாசக்திதரே நகே கௌமாரி ரூப சம்ஸ்தானே நாராயணி நமோஸ்துதே. சங்க சக்ர கதா சார்ங்க கிரஹீத பரமாயுதே பிரசீத வைஷ்ணவி ரூபே நாராயணி நமோஸ்துதே. கிரஹீதோக்ர மகாசக்ரே தம்ஷ்ரோதித வசுந்தரே வராக ரூபிணி சிவே நாராயணி நமோஸ்துதே. நிருசிம்ம ரூபேணோக்ரேண ஹந்தும் தைத்யான் கிருதோத்யமே த்ரைலோக்ய த்ராண சகிதே நாராயணி நமோஸ்துதே. கிரீட்டினி மகாவஜ்ரே சகஸ்ர நயனோஜ்வலே வித்ர பிராணஹரே சைந்திரி நாராயணி நமோஸ்துதே. தம்ஷா கராலவதனே சிரோமாலா விபூஷணே சாமுண்டே முண்டமதனே நாராயணி நமோஸ்துதே. லக்ஷ்மி லஜ்ஜே மகாவித்யே ஸ்ரத்தே புஷ்டிஸ்வதே த்ருவே மகாராத்ரி மகாவித்யே நாராயணி நமோஸ்துதே. மேதே சரஸ்வதி வரே பூதி பாப்ரவிதாமசி நியதே தம் பிரசீதேஷே நாராயணி நமோஸ்துதே. சர்வஸ்வரூபே சர்வேஷே சர்வசக்தி சமன்விதே பயப்பியஸ்ராகினோ தேவி துர்கே தேவி நமோஸ்துதே.
एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायिनि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनम् त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तुते विनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूज्य या जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानिव असुरासृग्वशापङ्क चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वं नता वयं रोगा न शेषानपगंसि तुष्टात् रुष्टात्तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्भवदात्ममूर्तिम् कृत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कान्यां विद्यासु शास्त्रेषु वेकदीपेषु आद्येषु वाक्येषु च कत्वधन्या मम त्वगतेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतत् अतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशासनागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तदाग्निमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतेः नित्यं यतासुरवदात् अधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाकजनितां स महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वातिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव देवि उवाच वरदागं सुरगणा वरं यन्मनस्येच्छत तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगताम् उपकारकं देवाऊचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देवि उवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमेघे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भव तसस्थौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य गमिष्यामि वैप्रचित्तां सुदानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः ततो मां देवता सर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्याम् अनावृष्ट्यामनम्भसि मुनिभिः संसुतो भूमौ सम्भविष्यामि यो निजा ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः सताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाकैः आवृष्टे प्राणधारकैः साकम्बरीति विख्यातिं तथा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्
तदा माम मुनय सर्वे सोष्यन्त्यानं रमूर्तयः भीमा देवी इति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाख्यश्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं ब्राह्मरं रूपं कृत्वा संख्येय षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं ब्राह्मरीति च मां लोकाः तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्ता भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि ऋसंशयम् ओम ओम जय जय मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देवी स्तुतिर्नाम एकादशोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।